ग्रेट एकेडमी। मैं मीघा रैना आज सभी क्लास फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। अभी चूंकि हमने जो पहले वीडियोस डाले थे और उनमें अब जो वीडियो डालने वाले हैं, थोड़ा काफी दिन हो गए हैं, काफी दिनों से हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूंगी। थोड़े हेल्थ इश्यूज थे, इस वजह से कोई वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट आगे हम फिर अब कंटिन्यू करते हैं। आगे अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे, हमारे होम मेन्यू को हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें कुछ सब मेन्यू हम डिस्कस कर चुके थे। अब हमको डिस्कस करना है स्टाइल और एडिटिंग का सब मेन्यू, तो आइए हम वो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे। हमारी फाइल खोलेंगे हम विनवर्ट करके, ये हमारी फाइल खुल गई। प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके थे होम मेन्यू में कुछ सब मेन्यू, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और स्टाइल्स। नहीं, स्टाइल्स करना बाकी है, स्टाइल्स और एडिटिंग बाकी है। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे स्टाइल का सब मेन्यू और एडिटिंग का सब मेन्यू, कि इसमें हमको क्या करना होता है या क्या डिफरेंस पड़ता है यदि हम इन टूल्स को अप्लाई करते हैं हमारे की भी फाउंड या फिर किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। ये हमारा पैरा आ गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं हमारे इस पैराग्राफ में तो क्या फ़र्क पड़ता है हमारे टेक्स्ट के ऊपर। मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैंने सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया है। अब आप, मैं इस पर अप्लाई करके बताऊंगी, आप इसमें और जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप डिफरेंस देखिएगा कि क्या डिफरेंस होता है स्टाइल का जो सब मेन्यू है उससे टूल को अप्लाई करने पर, और नेक्स्ट पैराग्राफ में जहाँ हमने टूल अप्लाई नहीं किया है वहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स हैं हमारे पास, उनसे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट होगा हमारा, मतलब चेंज होकर हमारा जो पैराग्राफ है वो लिखा हुआ आएगा। जैसे कि यहाँ पर जो हेडिंग का है इसमें हमारा टेक्स्ट ब्लू कलर में आ गया, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेटिंग की गई है इस वाली स्टाइल की वो इसी तरह से की गई है। ये देखिए, इसी तरह से बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं, इम्फेसिस, सबटल इम्फेसिस, सब टाइटल, टाइटल, इस ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इनका यूज़ करने पर हमें बार 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 कोई भी एडिटिंग के लिए, जैसे कि हमें अंडरलाइन करना है या कलर करना है, तो हमें चीज़ की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर हमारा आगे का हम पैराग्राफ जो भी हम लिखना चाहेंगे, जो भी जिस भी स्टाइल में हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, वो ऑटोमेटिकली उस स्टाइल में हमारे पास अवेलेबल करवाएगा, वो हमको लिखा कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है चेन स्टाइल्स। इसमें चेन स्टाइल में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक बॉक्स ओपन होता है, उसमें तीन चीज़ आती हैं, स्टाइल सेट, कलर्स और फॉन्ट्स। यानी कि स्टाइल सेट, यहाँ पर कुछ स्टाइल्स दी हुई हैं कि हमें हमारा पैराग्राफ लिखना किस वे में है, ये उसकी स्टाइल्स हैं, जैसे कि डिस्टिंक्टिव, एलिगेंट, फैंसी, फॉर्मल, मैन्यूस्क्रिप्ट, मॉडर्न, सिंपल, ट्रेडिशनल, वर्ड 2003, वर्ड 2007, ये इस तरह से कुछ स्टाइल्स दी हैं जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कलर्स की। यहाँ पर हमें बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं, हम जो भी कलर को अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखिए जैसे ही मैं किसी अदर कलर पर लेकर जा रही हूँ हमारे पैराग्राफ का कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट कर रखा है, ये हम डिफरेंस देख सकते हैं। एंड सपोज मैंने इस वाले कलर को चूज़ कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है फॉन्ट्स, कि हमें हमारा जो फॉन्ट टाइप करवाना है वो कौन सी स्टाइल में टाइप करवाना है, कैलिब्री, एरियल, एरियल, ल्यूसिडा सैंस, वर्डेना, जॉर्जिया, ये काफ़ी सारी स्टाइल्स हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्टाइल्स का सब मेन्यू। और एक और ऑप्शन आता है हमारा सेट एज डिफ़ॉल्ट। सेट एज डिफ़ॉल्ट से ये है कि यदि मैंने एक बार कोई भी कलर को, कोई पर्टिकुलर कलर, कोई पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल और पर्टिकुलर स्टाइल का सेट मैंने एक बार चूज़ कर लिया है और मैंने उसको यदि सेट एज डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ मैं, तो हमारा यानी कि हम आगे ऑटोमेटिकली जो भी हमारी नई भी फाइल हम ओपन करके हमारा पैराग्राफ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट में सेटिंग कर रखी है वो उसी वे में हमारा पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करवा देगा। नेक्स्ट चीज़ आती है एडिटिंग ऑप्शन में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड का मतलब होता है, या हिंदी में भी हम फाइंड का मतलब देखें तो फाइंड का मतलब होता है कि खोजना, यानी कि हमारे पास इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, इतनी सारी कुछ चीज़ लिखी है, अब इसमें से मुझे कोई सा एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करना है तो वो मैं कैसे करूँगी, या तो मैं एक ही क्लाइंट को पढ़ूंगी तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो मैं डायरेक्टली हमें फाइंड का ऑप्शन फाइंड के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। अब मैं मुझे यहाँ पर लिखा एक बॉक्स ओपन हुआ हमारा डायलॉग बॉक्स जिसको बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है फाइंड व्हाट, यानी कि आपको फाइंड करना क्या है, और यहाँ पर उसने एक बॉक्स दे दिया है, यानी कि जो भी हमें वर्ड सर्च करना है वो हम वर्ड यहाँ पर टाइप कर देंगे। सपोज मैं टाइप करती हूँ डॉक्यूमेंट,
ये मैंने डॉक्यूमेंट वर्ड टाइप किया और मैंने एंटर कर दिया, तो ये अब इसने जैसे कि ये हमारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ था, तो उसने इस चीज़ को हाईलाइट करके बता दिया कि ये आपका डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी कि हमने फाइंड का ऑप्शन चूज़ किया, उसने हमें फाइंड करके बता दिया, जो भी हम वर्ड सर्च करना चाहते हैं उसको सर्च करके बता देता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है रिप्लेस की। रिप्लेस का मतलब ही होता है बदलना। अब जब हम रिप्लेस के पर क्लिक करते हैं तो हमें एक और बॉक्स आता है, उसमें पूछता है फाइंड व्हाट एंड रिप्लेस विद, यानी कि आपको फाइंड क्या करना है और रिप्लेस विथ, यानी कि आपको चेंज वर्ड जो करना है वो किस वर्ड से कौन सा वर्ड को चेंज करना है। सपोज यहाँ पर हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट लिखा था हमारे पैराग्राफ की फोर्थ लाइन में। अब मैं डॉक्यूमेंट की जगह लिखना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिखना चाहती हूँ फाइल, ये मैंने क्लिक किया, अब मैंने एंटर कर दिया। तो ये हम देखेंगे अब हमारे पैराग्राफ में जहां पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, जहां जहां पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां वहां पर फाइल लिखा हुआ आ गया है, जैसे कि ये, और यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पर भी हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमने फाइल किया कि हमें रिप्लेस करना था हमारे डॉक्यूमेंट वर्ड को फाइल वर्ड से, तो यहाँ पर हमारा वो भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट चीज़ आती है सिलेक्ट करने की, कि हमें सिलेक्ट करना है। यदि मैं करती हूँ सिलेक्ट ऑल तो हमारा पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यदि मैं करती हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं फिर कर्जा से सिलेक्ट करूँगी कि मैं कितना सिलेक्ट उसको पैराग्राफ को कितना सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो वो हमारा सिलेक्ट हो जाता है। या अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को यदि हमें चूज़ करना है तो यहाँ से हम डायरेक्टली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, थैंक यू।